दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बार फिर विवाद चालू हुआ है। साथ ही एएसआई विभाग ने इसका सर्वे भी पूरा कर लिया है और अब इसका फैसला हो रहा है। एएसआई का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास। आइए जानते हैं कि क्या है ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का इतिहास और क्या है इसके शिव मंदिर होने का दावा। क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ और शोध। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 1194 में मोहम्मद गोरी ने काशी में स्थित एक मंदिर को लूटकर तुड़वा दिया था। जब उस जगह पे वापस से मंदिर बनी तो 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह द्वारा मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद बनवाया गया। हालांकि इसको लेकर मतभेद है कि तब मस्जिद नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ का मानना है कि 1669 में औरंगजेब के कहने पर इस मंदिर को तोड़कर मंदिर के आधे हिस्से पर जामा मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि मस्जिद को अलग से बनवाकर मंदिर की नींव और मलबे का ही इसमें उपयोग किया गया था। मंदिर टूटने और मस्जिद बनने के 125 साल तक कोई मंदिर नहीं बना था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 से 1884 के राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। 1809 में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। 1936 में किए गए एक मुकदमे पर साल 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के जगह पर मंदिर बनाने के मोटिव से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक अर्जी की। मस्जिद के सर्वे के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया और तब आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। फिर 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 महीने के लिए बताई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी। 2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हुआ। नंबर 1, ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर कई चीजों का मिक्सचर है। एएसआई ने बताया कि मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं। नंबर 2, 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाई। याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये जमीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए। वादी पक्ष का दावा है कि मौजूद ज्ञानवापी आदि विशेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। नंबर 3, काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्से में मंदिर के चिन्ह और गर्भगृह में शिवलिंग होने की बात उठती रही है। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन, जे पॉल गेटी म्यूजियम कैलिफोर्निया इत्यादि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा सन 1859 से 1910 के मध्य लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहित है। एक विदेशी फोटोग्राफर सैमुएल बार्न के द्वारा फोटो 1863 से 1870 के बीच लिया था। इसके कैप्शन में लिखा है, ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं बनारस। तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खंभों की नक्काशी दिखाई दे रही है। नंबर 4, ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र है। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखाने में स्तंभ में मूर्तियां अंकित है। वहां कई मूर्तियां और कलश के होने की बात भी कही जा रही है।
नंबर 6, ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं। इसमें मगरमच्छ का शिल्प है। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पर दीवारों में जगह जगह श्री ओम आदि लिखे हुए हैं, जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए हुए नंदी इस बात को दर्शाता है कि उस ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर का होना इसके बात का सबूत है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुख्य गुंबद है उसके नीचे भी एक गुंबद है। दोनों के बीच करीब 6 से 7 फुट की गैप है। नीचे का गुंबद को गुंबद नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो शंकु आकार है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनता है। गुंबद में जो नीचे का भाग है वो मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है।